हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीटी फिल्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ट्रेस नरगिस फखरी की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ खास बातों को। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप नरगिस फखरी के फैन हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो इनका रियल नेम है नरगिस फखरी और निक नेम है नरगिस, और प्रोफेशन से ये एक्ट्रेस एंड मॉडल एंड सिंगर हैं। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1979 को क्वींस न्यूयॉर्क सिटी यूएस में हुआ था, और 2021 के हिसाब से आज इनकी एज 42 ईयर हो चुकी है। अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5'9" और इनका आई कलर डार्क ब्राउन और हेयर कलर ब्लैक है, और ये नेशनलिटी से अमेरिकन हैं। और अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई क्वींस कॉलेज सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से की, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने बीए की हुई है। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। तो फखरी ने अपने कैरियर की शुरुआत एज अ मॉडलिंग से की थी जब ये 16 साल की थी। उसके बाद ये किंग फिशर कैलेंडर में आई थी साल 2009 में। वहाँ फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने इनको सेलेक्ट किया अपने आने वाली मूवी रॉक स्टार के लिए। इन्होंने फर्स्ट टाइम बॉलीवुड फिल्म में डेब्यू किया रॉक स्टार मूवी से, जो साल 2011 में आई थी, जिसमें इनका कैरेक्टर था हीर कॉल का, जिसके लिए ये नॉमिनेट भी हुई फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए। और उसके बाद ये मद्रास कैफे मूवी में भी आई थी साल 2013 में, जिसमें इनके अपोजिट थे जॉन इब्राहिम। और उसके बाद इन्होंने हॉलीवुड मूवी में काम किया जिसका नाम था स्पाइस, जो साल 2015 में आई थी, और एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर इन्होंने काफ़ी सारी मूवियों में काम किया जिनके नाम हैं किक, अजर, हाउसफुल 3, बेंजो, 5 बेडिंग, अमावस्या, टूरबाज और मैं तेरा हीरो। तो हमको कमेंट करके बताना कि इनकी कौन सी मूवी आपको बहुत पसंद है और ये आपको कैसी लगती हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है। इनकी म्यूजिक वीडियो का नाम था इफ़ माई इंडियन डैड वाज़ ए रैपर, जो साल 2017 में आई थी। अब इनके अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो इनको आईफा अवार्ड भी मिला है साल 2012 में, और साथ ही इनको फिल्मफेयर ग्लैमर एंड स्टाइलिश अवार्ड भी मिला है साल 2015 में। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर का नाम लेट मोहम्मद फखरी था, जो एक पाकिस्तानी थे। इनकी मदर का नाम मैरी फखरी है। एक इनकी सिस्टर भी है जिनका नाम आलिया फखरी है। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं। तो ये अभी अनमैरिड हैं। इनके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम उदय चोपड़ा था, जो प्रोफेशन से एक एक्टर थे। इनके बॉयफ्रेंड का नाम मैट एलेंजो है, जो प्रोफेशन से एक डायरेक्टर हैं। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको ट्रैवलिंग एंड योगा काफ़ी पसंद है। अब इनके फेवरेट थिंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो इनके फेवरेट फूड हैं बटर चिकन एंड पिज़्ज़ा। फेवरेट एक्टर हैं इनके आमिर खान, शाहरुख खान। फेवरेट सिंगर हैं इनके टेलर स्विफ्ट, और फेवरेट म्यूजिशियन हैं इनके AR रहमान। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं, ये रहती कहाँ पर हैं। तो नरगिस अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क सिटी US में रहती हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लें। तो नरगिस के पास फर्स्ट कार है ओडी A8L, और सेकंड कार है पोर्श, और थर्ड कार है मर्सिडीज बेंज। अब इनकी इनकम के बारे में देख लेते हैं। ये लगभग 1.5 करोड़ रुपये पर मूवी चार्ज करती हैं। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क 30 करोड़ रुपये है। तो ये थी एक्ट्रेस नरगिस फखरी की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और हमको कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।